हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ प्लस डेमो करके दिखाने वाली हूँ कि ये जो मेटालिक गोल्डन स्प्रे कलर है वो कैसा है, अच्छा है या नहीं, लेनी चाहिए या नहीं, कैसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आप कोई भी गोल्डन स्प्रे कलर लेने वाले हो तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरह की पैकेजिंग में आई थी। लेकिन मैं बता दूं कि इन्होंने, मतलब मैंने जब फ्लिपकार्ट पे इसे ऑर्डर किया था तो ये देखने में F1 ऐसा कुछ ब्रांड का था, लेकिन आप देख सकते हो ये कुछ अलग ही आया है येलो। और फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे स्प्रे कलर से मतलब है, बस अच्छा होना चाहिए। तो ये जो स्प्रे कलर है ये मेटालिक गोल्डन कलर है। इसमें बहुत सारे कलर है, बहुत सारी वैरायटीज़ है, सिल्वर, गोल्डन, मेटालिक गोल्डन और येलो, वाइट, एवरीथिंग, सभी तरह के कलर्स इसमें अवेलेबल है। और आप देख सकते हो, आप इसे साइकिल पे, बाइक पे, कोई भी जैसे लोहे वाले सामान हो उस पर आप कलर कर सकते हो आसानी से। और ये एक्चुअली स्प्रे कलर है तो सभी जगह कलर हो सकता है, चाहे आप कोई भी कांच के सामान में भी करो। तो आगे मैं डेमो दिखाने वाली हूँ कि किस पे मैं कर रही हूँ और क्या रिज़ल्ट है, तो आप देखते रहिए। इसकी जो प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, 300 ml का है, मतलब काफ़ी जगह आप यूज़ कर सकते हो इस स्प्रे कलर का। और अभी मैं जो जिस पे स्प्रे करने वाली हूँ वो एक लोहे का है और ये पहले इसमें कलर हुआ करता था, आई थिंक जो होता है ना वो पीतल में, उस तरह का कलर इसमें हुआ था। ये बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तो मैं इसे भी स्प्रे करती हूँ। और ये बिल्कुल मेटालिक गोल्डन जो होता है ना उस कलर का मेरा है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये 5 मिनट में सूख जाता है। आप कहीं पे भी कलर करो, आपको ये झंझट नहीं होता होगा कि अरे सर ड्राई करने में तो बड़ा टाइम लगेगा। बस आपने स्प्रे किया, 5 मिनट बस छोड़ा, उसके बाद ये ड्राई हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कलर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देखिए, इसे रख देती हूँ, उसके बाद ये ड्राई हो गया था। आप देखो कितनी अच्छी कलर आई है, सच में बहुत ही अच्छा कलर आया है, बिल्कुल अच्छा सा मेटालिक गोल्डन कलर आया है, मुझे बहुत पसंद आया। और ये 5 मिनट भी मेरा नहीं लगा था और ये सूख गया था। और आप देख सकते हो कितना काला था और अभी कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। तो मैं कुछ इस तरह से अभी इसको यूज़ करूँगी। एक्चुअली ये झूमर था और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ इस जार पे, जो कि आप कोई भी ग्लास, मतलब कांच के सामान पे आप कर सकते हो, मतलब ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ और ना कभी भी ना कांच वाले सामान में दूर से स्प्रे करिए, नहीं तो वो मतलब बहुत अजीब सा दिखने लगता है। अभी मैं दिखाती हूँ, आगे मैंने बहुत सामने से कर दिया था स्प्रे ना, तो वो बहुत अजीब सा हो गया था। तो आप थोड़ा देखो ऐसा हो जाता है, तो दूर से करने से ना ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे से कलर होता है। तो अभी मैं इस पर सेलो टेप लगाती थी, तो मैं सेलो टेप निकाल देती हूँ। देखो सेलो टेप निकाल दिया, जिसकी वजह से इतनी अच्छी सी थोड़ी डिज़ाइन वाली हो गई है ग्लास और बहुत अच्छा लग रहा है ये जार। तो आप दोनों देखो, मैंने इसे कलर कर लिया है, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है। और मैंने इसे मनी प्लांट के ये से यूज़ किया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना यूज़फुल है। तो आपको लेना हो तो ज़रूर ले सकते हो और हर कलर में अवेलेबल है, तो जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हो। और बहुत अच्छा है, 5 मिनट में सूख भी जाता है, तो मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे करते हुए वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।